नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। वक्त हो गया है देश और दुनिया की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ हुई बलात्कार की घटना को पुलिस ने छेड़छाड़ में तब्दील कर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता न्याय के लिए गुहार लगाने उच्च अधिकारियों के दरवाजे पर चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक पीड़िता को कोई भी राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि यह घटना 1 दिसंबर की सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। शौच करने निकली को पोल्ट्री फार्म में जगह ले जाकर हवस का शिकार बनाया गया है। घटना के समय घर पिता पर नहीं था। पिता के आने पर थाना पहुंची पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। पिता का आरोप है कि दरोगा ने दबाव में पिता के बयान को बदलने का भी दबाव बनाया है। तो वहीं पिता के आरोप के मुताबिक मेडिकल के लिए ले जाने वाली महिला कांस्टेबल ने पिता को समझाया कि मेडिकल नहीं करना है। इस पूरे मामले पर बलिया के अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया है कि जो बयान युवती देगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था पूरा मामला बताइएगा। 21 तारीख हम जाते लेटरिन कर रहे थे, फार्म मुर्गी फार्म पे बैठा रहा और हमने के जबरदस्ती खींच के मुर्गी फार्म में ले जाए हमारे संग रेप कर ला। कौन था वो? मकुरधन साहनी, ओकर नाम मकुरधन साहनी। कहाँ के रहे वाला? जनकी छपरा के रहे वाला। जनकी छपरा। फिर क्या हुआ? ओकर बाद हमारे के डॉक्टर लंग डरवाइल पातर के कह देबे अपना घर तो घर के तोरा के मार के मुआ दिन तेरे बाबू जी के मार के मुआ दिन तो मुआ तो मार के मुआ दिन जा। ओकर बाद हम और ना कहनी फिर दोबारा अथी कहल तब जी के 112 नंबर के बोलैली फोन कर के 112 नंबर के फोन कर लेके थाना में फर्स्ट थाना में हम अथी कहली तब तब सुनवाई नहीं के होता ना कोई चीज के। थाने में आप एप्लीकेशन दी है? हाँ। एप्लीकेशन देने के बाद क्या हुआ, मेडिकल हुआ आपका? ना मेडिकल ना करा बोले जगह जगह दरोगा सर जी बोलन तो मेडिकल ना करे लो। क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं वो जगह लेडीज से बिना कहल तो कहा कि बोल रहे कि मेडिकल मत कराओ, तो लेडीज बोलते हैं कि मेडिकल मत तुम कराओ। कौन लेडीज थी? ज्योति सिंह। सिपाही हैं बांसडीह थाना में? हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेडिकल नहीं कराना है? हाँ। फिर हम हमारे बाबू जी का हम उठा कर टीको ले लो और सिपाही जी बढ़न तो वो जाकर दरोगा बढ़न तो हमारे से गलत रिपोर्ट लिखा तो छेड़खानी की रिपोर्ट लिखाओ। दरोगा जी ने दबाव बनाया कि छेड़खानी का रिपोर्ट करो। हाँ। दरोगा जी का नाम बता सकती हैं? मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय सिंह। धन्यवाद। मामला संज्ञान में आ रहा है कि एक लड़की का जो रेप हुआ था उसका मुकदमा जो छेड़खानी में दर्ज किया गया था वो अभी कप्तान साहब के पास आई थी। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, चाहे मुकदमा छेड़खानी में दर्ज हो चाहे उससे भी गंभीर किसी अपराध में दर्ज हो, प्रोसीजर रही है उसका पीड़िता का जो है 164 का बयान कराया जाएगा और अगर वो कहेगी तो उसको उचित धाराओं में उसको तरमीम करके और अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ये कब का मामला है ये सर जो कप्तान ये साथ? अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले का मामला है और इसमें अभियोग पंजीकृत है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक। अगर वो पीड़िता जो है यदि और 164 में जो भी बताएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक। तो ये थी मराठी खास खबर। इसी तरह की देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तब तक ले नमस्कार।